मध्य प्रदेश की धार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा किया है। इनामी बदमाश ईश्वर सिंह के दो अन्य साथियों को 5 नग देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में बदमाशों से 3 सालों में अवैध हथियारों से तस्करी के करोड़ों रुपए का लंदन का हिसाब मिला है। आरोपी ने पुलिस रिमांड के दौरान यह खुलासा किया है। गिरफ्तारी अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर ईश्वर सिंह पर मध्य प्रदेश सहित अन्य 6 राज्यों में कुल 42 गंभीर अपराध दर्ज हैं। बदमाश पर अब तक राजस्थान राज्य में 16, एमपी में 15, गुजरात में 6, दिल्ली में 13 और कर्नाटक में अपराध पंजीबद्ध हैं। इस पर पुलिस ने 58,000 का इनाम भी घोषित किया था। बदमाश की गिरफ्तारी पर गुजरात राज्य के 3 प्रकरणों में कल 45, धार जिले के नौगावा थाने के प्रकरण में 10,000, उज्जैन के थाना मंडी गेट नागदा जंक्शन में 1 प्रकरण में 2,000 रुपए और इंदौर के थाना गौतमपुरा के प्रकरण में 1,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। चारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था, अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके एटीएम, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है, तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। मतलब इतने पैसे की इसने तस्करी किया है जो देश के विभिन्न राज्यों से पैसा इसके खाते में आए हैं। इसके 2 पेडलरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 1 से 2 और 1 से 3, कुल 5। और उस गिरफ्तार करने के बाद सुबह सुबह ईश्वर के घर की हमारी पूरी SIT टीम, एडिशनल SP सिटी, SDOP कुक्षी, SDOP मनावर, थाना प्रभारी कुक्षी, थाना प्रभारी गंधवानी, हमारी साइबर की पूरी टीम, इन लोगों ने उसके पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके घर से ये सबसे पहले आज भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करी है। आप सबके माध्यम से धार की आम जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धार पर विधानसभा चुनाव निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और भयमुक्त हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम प्रतिबद्ध भी हैं, ऐसा माहौल बनाएंगे। किसी भी गुंडे बदमाश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसा माहौल बने कि लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान कर सकें। जहां तक आज के खुलासे की बात है तो आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक SIT गठित करी थी। हमारी SIT ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंटरोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था